हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिविट आर्किटेक्चर में विड्थ एंड रफ विड्थ क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर जब हम डोर प्रोवाइड करते हैं रिविट आर्किटेक्चर में तो हमें विड्थ को चेंज करना चाहिए या हमें रफ विड्थ को चेंज करना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अब आप देख रहे हो हमारे पास एक वॉल है जिसपे हमने एक डोर ये वाला लगाया जो सिंपल सिंगल फ्लश डोर है, और एक डोर हमने लगाया है ये वाला जो हमने फैमिली से लगाया है जो एक्सटीरियर डोर है सिंगल एंट्री हाफ। अब इन दोनों में सबसे पहले तो दोनों डोर्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर मैं 3D में जाके इन डोर्स को देखता हूं, अगर मैं 3D में जाके इन डोर्स को यहां पे देखूं तो आप देखेंगे जो ये आपका सिंगल फ्लोर डोर है इसके अंदर कोई भी फ्रेम नहीं है। फ्रेम होती है जो आपका डोर फ्रेम होती है, जो आपका चौखट होती है, इसमें चौखट का स्पेस नहीं दिया है। और अगर मैं इस डोर की बात करूं तो यहां पे देख पा रहे हो कि एक टाइप का आपका यहाँ पे फ्रेम गिवन है, कुछ ये वाला फ्रेम है जो क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब विड्थ क्या होती है, यहां से लेके यहां तक को हम विड्थ बोलेंगे जो आपकी क्लियर विड्थ है। और रफ विड्थ क्या होती है कि अगर आपका फ्रेम लगा है, विद फ्रेम को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारी होगी रफ विड्थ। विड्थ होती है बीच का डिस्टेंस, ओनली जो डोर का साइज है, जो डोर का साइज है वो होती है विड्थ। और रफ विड्थ होती है जो आपका बाहर से बाहर का जो विद फ्रेम आपका जो साइज होता है। चलो हम इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अब हमारे पास मान लो एक वॉल है और मैं एक यहाँ पे वॉल पॉइंट करता हूँ, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वॉल लगाता हूँ और डोर लगाता हूँ, और एक लगाता हूँ मैं यहाँ पे वही सिंगल फ्लश जो मैंने यहाँ पे लिया है, और ये मैंने डोर लगाया यहाँ पे, और एक लगाता हूँ मैं जो यहाँ पे फैमिली से लिया है मैंने, ये वाला जो डोर है लोड फैमिली पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सटीरियर सिंगल एंट्री डोर ओपन, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे डोर लगाया कुछ इस तरीके से, क्लियर है, ये दो डोर लगे हैं। अब हम डायमेंशन चेक करते हैं, एनोटेट में जाके लीनियर डायमेंशन लिया, यहां से यहां तक अगर मैं चेक करता हूं तो 915 है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला डोर भी मेरा सिंगल फ्लश ही लग गया, इसको मैं चेंज कर देता हूं इसमें, ये हमारा फ्रेम के साथ है जो ये वाला हमारा फ्रेम है। अगर मैं इसको चेक करूं विदाउट फ्रेम यहां से लेके यहां तक तो है हमारा 900, और विद फ्रेम चेक करूं तो वो है हमारा 950। तो जो इस साइड का फ्रेम है वो हमारा है 25 का, इस साइड का फ्रेम है वो भी हमारा 25, तो दोनों मिलके हो जाते हैं 50। अब हमें चेंज करना है, हम डोर को सिलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप पे जाते हैं, तो आप यहां पे देखेंगे बेसिकली हम क्या करते हैं, विड्थ और हाइट को ही चेंज करते हैं। विड्थ है 900 और हाइट है 2000, बट एक होता है आपका रफ विड्थ एंड रफ हाइट। रफ विड्थ है आपकी 950 जो विड्थ है उसने दोनों साइड के फ्रेम को इसके अंदर ऐड किया है। जब भी आप रेविट पे काम करें, अपने डोर के साइजेस को प्रोवाइड करें, तो आप देखते होंगे कि जो आपका डोर का फ्रेम लगता है, जहां पे आपका डोर का फ्रेम लगेगा तो जो स्पेस छोड़ा जाता है वो डोर का फ्रेम को इंक्लूड करके छोड़ा जाता है, क्लियर है। जब भी हम रेविट में काम करेंगे तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली विड्थ और हाइट को चेंज किया, बट उससे क्या होता है जब हम उसको मेजर करते हैं कोई दूसरे डोर के साथ तो फ्रेम को उससे अलग दिखाता है, क्लियर है। तो हमेशा ट्राई करें रफ विड्थ एंड रफ हाइट को ही आप चेंज करें, एग्जैक्ट डायमेंशन आपकी ये है ना कि ये वाली, क्लियर है दोस्तों। बट अगर आपका कोई ऐसा डोर है जिसमें आपका फ्रेम ही नहीं है तो अगर इसके एडिट टाइप पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे रफ विड्थ एंड रफ हाइट यहाँ पे एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि आपके पास फ्रेम नहीं है। अब फ्रेम नहीं है तो यहाँ पे इसके साइजेस भी मेंशन नहीं है, क्लियर है। तो ये होता है रफ विड्थ एंड रफ हाइट। और अगर आप इसके डायमेंशन को भी चेंज करना चाहें तो एडिट टाइप पे जाए, यहाँ पे 950 है, मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूं 1000। अगर मैं 1000 करता हूं, अप्लाई करूंगा ना, तो अपने आप ही जो विड्थ है 950 की हो जाएगी, क्योंकि फ्रेम फिक्स किया गया है जो 25 mm की थिकनेस है, दोनों साइड मिला के आपकी 50 mm आपका यहाँ पे बन जाता है, क्लियर है। इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका किस चीज को आप चेंज करेंगे, रफ विड्थ को चेंज करेंगे या रफ हाइट को चेंज करेंगे।
या बिट को चेंज करेंगे। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम डोर या विंडो या किसी भी चीज को हम डोर या विंडो को प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली डोर और विंडो में ही रफ विड्थ और रफ हाइट का इशू सामने आता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और भी वीडियोस आप देख सकते हैं रेविट से रिलेटेड। और अगर कोर्स परचेज करना है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाएं, कंप्लीट कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।